नमस्कार दोस्तों, आरपीएम ड्राइव की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है हमारी स्टेयरिंग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जब से मैंने स्टेयरिंग को चेंज करवाया यानी कि रिप्लेस करवाया है कंपनी से, उसके बाद में मेरे पास में कई सारे जो हैं दोस्तों के वो भाइयों के कॉल मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आपका ये रिस्पॉन्स अब कैसा कर रहा है, क्योंकि हमने भी चेंज करवाया उसके बाद में तो ये रिस्पॉन्स और भी ख़राब हो गया इसका, तो उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों आज। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों देखिए, जब चेंज करवाने के बाद में लगभग 1000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, मैंने कुछ 1800 पे करवाया था और अभी 2800 किलोमीटर के आसपास ये चल चुकी है। ये देखिए 2855 दिख रहा है। तो दोस्तों देखिए, अभी ये गाड़ी चालू हुई, मैं इसको बंद करता हूँ और जो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम थी उसके बारे में बात करेंगे। इस स्टीयरिंग को मेरा चेंज कराने का क्या मकसद था, तो उस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। अभी तो बहुत लाइट है क्योंकि ये गाड़ी स्टार्ट है दोस्तों, इसको बंद करता हूँ, दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। और फिर जो पहली प्रॉब्लम थी कि इसको यू टर्न लेने पर यह वापस नहीं आता, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई उसके लिए बात करेंगे। दोस्तों बंद करता हूँ उस गाड़ी को, एसी को बंद करना भूल गया मैं। चलिए गाड़ी बंद हो गई दोस्तों, ये एसी का फ्लो थोड़ा सा आवाज़ कर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों देखिए, इग्निशन को मैंने दिया, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई दोस्तों। ठीक है, अब मैंने इसको गियर में लगा दिया। अब इसका जो देखिए, मैं इसका रिस्पॉन्स आपको चेक करवाऊंगा। अभी यू टर्न ले रहा हूँ मैं दोस्तों, ये मैंने इसको यू टर्न ले लिया और दोस्तों देखिए स्टीयरिंग वापस आ गया है। तो दोस्तों पहला जो प्रॉब्लम था, मेजर जो प्रॉब्लम था वो यही प्रॉब्लम था दोस्तों, कि इस गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो जब फर्स्ट टाइम आप गाड़ी को चलाओगे तो वो वापस नहीं आ रहा था। लेकिन अभी मैंने आपको दिखाया, मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और ये वापस आ गया दोस्तों। देखिए वापस मैं यू टर्न ले लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वापस आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये वापस आने लग गया है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये जो मेजर प्रॉब्लम थी ये तो मेरी डे वन से ही शॉर्ट हो गई थी। इसके बावजूद जो इसमें और एक प्रॉब्लम थी वो थी कि स्टीयरिंग इसका बहुत ज़्यादा हार्ड था, आपको फील नहीं होता था कि ये पावर स्टीयरिंग है। अब इसमें ये प्रॉब्लम थी दोस्तों, तो अब ये प्रॉब्लम भी बहुत हद तक रिजॉल्व हो गई है, बहुत ही स्मूथ हो गया है। अभी मैं इसको चला रहा था तो मेरे को लग रहा था यार ज़्यादा स्मूथनेस नहीं आई है, लेकिन जब मैंने कोई दूसरी गाड़ी चलाई, मैंने मारुति की सियाज चलाई, मेरे फ्रेंड की गाड़ी है दोस्तों, उसका आप मानोगे नहीं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्टीयरिंग है और वो VXI मॉडल है दोस्तों, जबकि ये बिल्कुल बेस मॉडल है। अब दोस्तों देखिए, इस स्टीयरिंग की प्रॉब्लम की बात करें तो दोस्तों ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता दूँ पहले, क्योंकि ये जो कंपनियाँ हैं बेस मॉडल में आजकल इसी तरह के जो स्टीयरिंग है वो दे रही है कॉस्ट कटिंग के लिए, क्योंकि दोस्तों इनमें कॉस्ट का कुछ रहता है फंडा, पता नहीं वो कितनी कॉस्ट बचती है उनकी कितनी नहीं बचती, लेकिन ये यार डेंजरस है। इसलिए मैंने कहा था कि ये चीज़ चाहे आप हार्ड कर दो स्टीयरिंग कोई बात नहीं, लेकिन जब स्टीयरिंग का रिस्पांस है वो बराबर होना चाहिए। तो अभी देखिए दोस्तों, ये जो गाड़ी का जो प्रॉब्लम था इनिशियली 6 महीने की जितनी भी गाड़ी निकली थी दिसंबर से लेके, और मेरी ये जुलाई का मॉडल है, जुलाई तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ था। लेकिन मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था कि मेरे अगस्त में मैंने गाड़ी ली है और उनके ये प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि जो अगस्त से जो गाड़ी जो ये प्रॉब्लम थी वो रेक्टिफाई कर ली गई थी कंपनी के द्वारा और वो प्रॉब्लम स्टीयरिंग में अब नहीं आ रही थी अगस्त के मॉडल्स में। अगर आपके पास में अगस्त के बाद का मॉडल है तो आप मुझे चेकआउट करके जरूर बताइएगा कि ये प्रॉब्लम आपकी स्टीयरिंग में है या नहीं है। मेरी स्टीयरिंग में थी, मैंने इसको रिजॉल्व करा लिया कंपनी से, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली ये कॉस्ट कटिंग का पार्ट है। अभी मारुति की जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं, वैगनार को ले लीजिए, मैंने कई मेरे दोस्तों के वीडियोस देखे हैं, संस्कारी सुमित जो चैनल है उनके भी बात मैंने उनके वीडियो भी देखे हैं, तो वो बता रहे हैं कि उनका भी जो रिस्पॉन्स है बिल्कुल नहीं, ऐसे करते तो इधर जाता है, ऐसे करते तो इधर जाता है, गाड़ी अपने जगह पे आती नहीं है गाड़ी का स्टीयरिंग जो है। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत ही गंदी लगती है मुझे कि यार जो बेसिक चीज़ है सिक्योरिटी सेफ्टी को लेके वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है कंपनी, अब वो चीज़ यार नहीं होनी चाहिए। आप फीचर्स कम दे दो, पावर स्टीयरिंग मत, सॉरी आप जो है पावर विंडोज मत दीजिए, कुछ और मत दीजिए यार, ऐसा फीचर मत दीजिए जो आपको सिक्योरिटी थ्रेट ना हो, लेकिन आप कम से कम इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए यार। मेरा यही एक जो आपसे रिक्वेस्ट है कंपनी से कि इन सब चीज़ों में जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्रिएट मत कीजिए। देखिए अभी मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने चेंज करवाया स्टीयरिंग और उनको जब लेफ्ट लेते हैं तो वो लेफ्ट रहता है, देखिए मैं राइट रहा हूँ, अपने आप अपनी जगह पर आ जा रहा है, ये देखिए वापस जगह पर आ जाता है, और वो कह रहे हैं कि जब मैं लेफ्ट राइट लेता हूँ तो वो लेफ्ट राइट चला जाता है, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम दोस्तों नहीं है। हालांकि ये पूरा रेस्पॉन्सिव नहीं है कि लेफ्ट लेंगे तो थोड़ा बहुत ही ये मिडिल में आता है, सेंटर में आता है, पूरा नहीं आता है, लेकिन हाँ ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम दोस्तों कंसिडर नहीं कर सकते हम। ये रिस्पॉन्स जो है इसका मेरे को लगता है कि एकदम ठीक है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। जो टॉप मॉडल्स थे इस गाड़ी के उनमें भी ये प्रॉब्लम्स थी दोस्तों, लेकिन अब वो भी कहीं ना कहीं कंपनी ने सॉर्ट कर ली है।
दोस्तों देखिए, जिस प्राइस सेगमेंट पे कंपनी ने गाड़ी लॉन्च की थी वहाँ पे ये जो चीज़ थी, ये लोगों ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था इस पे, इसको लेके कि, और मुझे भी ऐसा लगता था कि यार ये कहीं ना कहीं कंपनी की जो है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। लेकिन दोस्तों ऐसा मैंने अब जाके पता लगा मुझे कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं था, ये कॉस्ट कटिंग का पार्ट था। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सारी कंपनियों से, मारुति से, हुंडई से, जितनी भी गाड़ियां हैं बेस मॉडल बनानी है तो आप बनाइए मत। अगर आप बना रहे तो कम से कम जो सेफ्टी के जो फीचर्स हैं उनसे आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए दोस्तों। आप फीचर्स बिल्कुल मत डालिए उसमें, एक फीचर और कम कर दीजिए, लेकिन ये सिक्योरिटी थ्रेट मत कीजिए गाड़ियों में। मेरा ये रिक्वेस्ट है दोस्तों। छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।